बहेरिया पुलिस ने की कोचिंग सेंटर पर कार्यवाही। बहेरिया थाना अंतर्गत चनाटोरिया सिद्धुआ गांव में चल रहे जय माता दी कोचिंग सेंटर एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में आज बहेरिया पुलिस द्वारा सूचना पर कार्यवाही की गई। वहीं स्कूल संचालक द्वारा 5-6 शिफ्टों में करीबन 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। पुलिस ने जब कार्यवाही की तब भी एक शिफ्ट में 50 बच्चे मौजूद थे। जहां पर यह स्कूल संचालित है वहां से 10 कदम की दूरी पर शासकीय मिडिल स्कूल है, लेकिन किसी शासकीय शिक्षक को इसकी जानकारी नहीं लगी। वहीं सूत्रों की माने तो स्कूल के शिक्षक द्वारा 12वीं के करीब 25 एवं 9वीं 10वीं के 30 बच्चों के एडमिशन भी किए गए हैं। वहीं सागर SDM संतोष चंदेल द्वारा DO से जांच कराकर दोषी पाए जाने पर FIR कराने की बात कही। क्या नाम है आपका? जी सर नरेश शर्मा। आपको शासन की गाइडलाइन मालूम है? जी सर मालूम है। लेकिन क्या है गाइडलाइन? बच्चों को नहीं पढ़ाना है। नहीं पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इस समय। आप जिस तरीके से कोचिंग लगाए हैं, ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के जीवन को आप दांव पे लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? सर हम ही कहेंगे सर, कुछ दिनों के लिए सर वो क्या सप्लीमेंट दिया थी बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने कहा कुछ दिनों कुछ गाइड कर दो, आप बता दो। शासन के लिए आपने सूचित किया कि हमसे गार्जियन से ये बोल रहे हैं और हम ये जो है कोचिंग सेंटर चला रहे? सर बाहर के थाने गए थे सर, तो उन्होंने सीखी तो उन्होंने बताया कि सर दूर सोशल डिस्टेंस से पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए, सप्लीमेंट दिया ये तो पढ़ा देते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ पढ़ाते हैं? सर हम कोचिंग प्राइवेट में पढ़ाते हैं। कोचिंग सेंटर अकेला संचालित करते हैं। शासन की गाइडलाइन का लगातार आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप थाने से परमिशन मांग रहे हैं, जबकि इस बात की जानकारी आपको है कि शासन इस तरह की किसी भी जमघट के लिए मना किए हुए है, क्या कहेंगे आप? सर नहीं लगाएंगे सर, क्या सर लेकिन क्या पेरेंट्स ने कहा कुछ दिनों के लिए सर बता दो, क्या बच्चे घबरा रहे थे सर कि अब आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप इस कोचिंग सेंटर में आए हैं, क्या क्या पाया आपने, क्या मान रहा है? जो कलेक्टर साहब के आदेश हैं उनका उल्लंघन है, छोटा जी का कोरोना संबंधी जो महामारी चल रही है उसका उल्लंघन है, उसके बचाव के लिए उनकी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कितनी संख्या जो है बच्ची बात की है, बच्चे मतलब 12वीं कक्षा के हैं, उसको चलाई जा रही है। इनके द्वारा एक स्कूल भी चलाई जा रही है जो अभी तक फर्जी है, मतलब इनके लिए मान्यता नहीं मिली है, क्या कहेंगे? बहेरिया थाने के पास एक जय माता दी करके निजी स्कूल है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है और एक 10x10 के कमरे में 32 बच्चे जो है बैठे हुए पाए गए और 12 बच्चे जो है उस स्कूल के परिसर में पाए गए। क्या शासन के निर्देशानुसार कभी कोई भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता। अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं DO जो मिस्टर तिवारी हैं उनको भेजकर अगर स्कूल का संचालन होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। ठीक है।